अस्सलाम वालेकुम। आज के स्केचअप ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन और सर्कल के बारे में, इसको हम कैसे ड्रा कर सकते हैं और उनका डिफरेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये होते कहाँ पे हैं। हम टूल्स में जाते हैं और ड्रा में जाके, शेप्स में जाके हमारे पास दो ऑप्शन है। सर्कल, इसकी शॉर्टकट कमांड हमारे पास सी है, और नीचे पॉलीगॉन। आज हम सर्कल और पॉलीगॉन के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल, इसको हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको हम यहाँ से भी आके सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्कल इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, तो कोई भी सर्कल जब लगाते हैं तो उसमें जो उसका रेडियस होता है, हम उसका रेडियस जो है वो एक साइड का दे सकते हैं और वो पूरा सर्कल ड्रा हो जाएगा। हमने लेफ्ट क्लिक किया माउस का और इसको हम ये ड्रा कर रहे हैं। ये हमारे पास सर्कल आ गया, और हमने अगर इसको करना है G24, तो ये हमारे पास सर्कल आ गया। और अब हम पुश टूल जो है उसको इस्तेमाल करते हुए इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं, और इसको भी हम एक्सट्रूड कर देते हैं। सर्कल, हमने सर्कल से पहले एक दायरा ड्रा किया, टूटी शेप ड्रा की, और उसके बाद उसको पुश टूल के जरिए इसको हमने एक्सट्रूड कर दिया, और ये हमारे पास 3D शेप आ गई। बट आप लोग देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल बहुत स्मूथ है, इसमें कोई एजेस नहीं है, बिल्कुल ये स्मूथ है। और इसके बाद बारी है पॉलीगॉन की। पॉलीगॉन में 6 साइड होती है, और ये नीचे साइजेस इसके लिखे हुए आ रहे हैं, इसकी साइड्स 6 हैं। अब हम इसको ड्रा कर लिया, ये हमारे पास है पॉलीगॉन, और अब हम इसको एक्सट्रूड करते हैं। ये देखिए, और जैसे हम इसको एक्सट्रूड किया और हम देखा कि इसकी साइडेस जो है वो ज्यादा स्मूथ नहीं है, इसकी साइडेस स्मूथ नहीं है बल्कि इसके एजेस हैं। ये आपने देखा होगा, ये इसके एजेस हैं, और अगर आप चाहें तो इसकी साइड्स को इंक्रीज कर सकते हैं। इसकी साइड्स जितनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएंगी पॉलीगॉन की, और उसके एजेस उतने ही ज्यादा होते जाएंगे। और ये है मेन जो डिफरेंस है सर्कल और पॉलीगॉन में। उम्मीद करते हैं कि आपको सर्कल और पॉलीगॉन का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।